नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश की सियासत में शिवपाल सिंह यादव का अपना अलग कद रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और समाजवादी पार्टी की वो रीढ़ बन गए। लेकिन अब पार्टी की कमान अखिलेश के हाथों में है और अखिलेश शिवपाल की राह जुदा हो गई है। चाचा ने भतीजे को खुला चैलेंज देकर बता दिया है कि पार्टी से निकालना है तो निकाल दें। अखिलेश की अकेली मुश्किल केवल शिवपाल नहीं है, आजम खां को लेकर भी पार्टी में दरार पड़ती दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि चाचा भतीजे की तकरार से क्या टूट जाएगी समाजवादी पार्टी? क्या आजम के इशारे पर समर्थक इस्तीफा दे रहे हैं? मुस्लिमों से दूरी क्या अखिलेश यादव बना रहे हैं? वैसे ही आजम शिवपाल बिगाड़ेंगे अखिलेश का गणित। 2024 के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अखिलेश चल पड़े हैं। इन सवालों के साथ मेहमानों से होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी में चली बगावत की आंधी पार्टी को किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी, ये राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तरफ शिवपाल यादव बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं तो दूसरी तरफ आजम खान का परिवार भी बेहद नाराज है। बुधवार को अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को बीजेपी का करीबी बताकर साफ कर दिया था कि चाचा भतीजे की राहें जुदा हो गई हैं। तो गुरुवार को शिवपाल यादव ने भी दो टूक कह दिया कि पार्टी से निकालना है तो निकाल दें। अभी तक हम समाजवादी पार्टी के जो 111 विधायक हैं उसी सूची में हमारा नाम है और हम समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से ही चुनाव लड़ा हूँ। अगर किसी राजनेता को ऐसा लग रहा है तो उनका गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है और अगर ऐसा लगता है तो शीघ्र हमें समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। अखिलेश और शिवपाल के बीच की अदावत का असर पार्टी और वोट बैंक पर तो पड़ेगा ही, लेकिन मुस्लिम नेता आजम खान को नजरअंदाज करना अखिलेश को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बुधवार को अखिलेश के गठबंधन के साथी और रालोद प्रमुख जैन चौधरी आजम खान के घर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि वह एसपी को टूट से बचाने की कोशिश में लगे। ये तो लोकतंत्र में होता है, अलग अलग राय होती हैं, एक दल में भी अलग अलग राय हो सकती है और आंतरिक लोकतंत्र का यही प्रमाण होता है कि एक आज़ादी मिलनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। जब कोई हार हुई है उसके बाद उसकी समीक्षाएं भी हो रही हैं, हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ क्या कमियाँ हुई, कैसे उनको हम दूर करें। हालांकि अखिलेश ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया। आजम की अनदेखी के आरोप लगाकर पार्टी के कई मुस्लिम नेता पहले ही एसपी से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें इरशाद खान पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री, सिनोद शाक्य पूर्व विधायक, सिकंदर अली पूर्व जिला महासचिव, अदनान चौधरी जिला उपाध्यक्ष, सलमान जावेद वरिष्ठ नेता, कासिम रेयान वरिष्ठ नेता, अमरेश यादव महासचिव समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ। आजम के समर्थन में पार्टी के मुस्लिम नेताओं का पार्टी छोड़ना अखिलेश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि एसपी का कोर वोटर यादव और मुस्लिम ही है और अगर शिवपाल के साथ ही आजम भी एसपी से दूरी बना लेते हैं तो अखिलेश के लिए 2024 के चुनाव से पहले बड़ा नुकसान साबित होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश अपनी छवि बदलने के लिए मुस्लिमों से दूरी बना रहे हैं और क्या शिवपाल और आजम के एसपी से अलग होने पर 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है? ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल आजम एक साथ आ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यह अखिलेश के लिए एक बड़ा झटका होगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। इनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद अतीक जी राष्ट्रीय सह सचिव मुस्लिम लीग, प्रोफेसर भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और चर्चा की शुरुआत इनके सिंह सर आपसे ही करना चाहते हैं। कई चीज़ें हैं, शिवपाल यादव अपने आप को सफाई मानते हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें सफाई नहीं मानते हैं, इसी वजह से वो कहते हैं कि अखिलेश को लगता है तो वो निकाल दे। सवाल इस बात का कि आधार क्या बनाया जाए
और इससे पहले अखिलेश का बयान आया था जो बीजेपी के करीब वो सपा से दूरी बना ले, तो जाहिर तौर पर जो आजम खान शिवपाल यादव का मामला, ऐसे में क्या अखिलेश की मुसीबत दिनों दिन बढ़ती जा रही है? राहुल, ये बात बिल्कुल सही है कि ये पेच इतना उलझा हुआ हो गया है कि मुझे नहीं लगता है कि अब इसका कोई समाधान निकल सकता है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया है। अगर अपने चाचा के लिए, जो अभी समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े हैं, अगर अपने चाचा के लिए वो कहते हैं कि जिनका बीजेपी से रिश्ता है वो पार्टी छोड़ दे और चाचा कहते हैं कि वो निकाल दे, तो मेरे ख्याल से अब समझौते की गुंजाइश कोई रही नहीं है। पेच ये है कि आजम खां अगर पार्टी में रहते हैं और इसी तरह रहते हैं तो मुसलमानों ने इस बार तो वोट दिया, लेकिन इसके बाद आजम खां का जो विक्टिमाइजेशन है, यह बात सही है कि मुसलमानों में इसको लेके नाराजगी है। वो चाहते हैं कि बीजेपी के जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसके खिलाफ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश खड़े हों, मतलब कि मुसलमानों के साथ खड़े हों। अगर बुलडोजर चले किसी मुसलमान पे, भले ही वो माफिया हो, लेकिन वो खड़े हों, या मुसलमानों पर वैसे भी चले तो खड़े हों। लेकिन अखिलेश अगर ये करते हैं तो बीजेपी जो हिंदुत्व का फॉर्मेट तैयार किया है उसमें अखिलेश पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और कास्टिस्ट जो वोट होता है वो इनके पास नहीं जाएंगे। तो ये पेच इतना उलझा हुआ है कि या तो आप इस साइड में आए तो दूसरा लूज करेंगे और उस साइड जाते हैं तो ये लूज करेंगे, और ये पूरे देश की पॉलिटिक्स में हो रहा है। तो जब तक बीजेपी खुद ही कोई ऐसी बड़ी गलती ना करे, इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुसीबत है। आप मुस्लिम अकेला खड़ा हो नहीं सकता, आजम खां एक अकेले में लीडर हो नहीं सकते क्योंकि सीटें नहीं मिलेगी। अब मुसलमान सपोर्ट भी कर दे तो सीटें नहीं मिलेगी क्योंकि 18% पे सीटें नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये पेच इतना उलझा हुआ है कि पूरे पॉलिटिकल पार्टी, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्टेट में, उन सब के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जाए किस तरफ और कितना जाए। तो क्या ये मान ले कि पार्टी टूटेगी, टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, या संभलेगी? कमजोर हो जाएगी, कमजोर टूट तो जाएगी ही, लेकिन टूटना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ये पार्टियां सिंगल लीडर ड्रिवन होती है। लालू यादव की पार्टी होगी तो लालू नहीं होंगे तो राबड़ी होंगे, नहीं तो तेजस्वी होंगे। ये सिंगल लीडर ड्रिवन पार्टी होती है, इसमें पार्टी का कैरेक्टर नहीं होता। लेकिन टूटे या जुड़े ये मुद्दा नहीं है, ये पार्टी कमजोर हो जाएगी। मतलब जो ट्रस्ट है, मुसलमानों का ट्रस्ट नहीं मिलेगा, उधर नॉन यादव बैकवर्ड्स का नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के ये अजीब पेच फंसा हुआ है और अंततोगत्वा इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, यह सबसे बड़ी बात। ठीक है, जोशी जी साहब कह रहे हैं शिवपाल यादव की पार्टी से निकालना है, निकाल दीजिए। अखिलेश को इससे पहले सुना था जो बीजेपी के करीबी हैं वो समाजवादी पार्टी से दूरी बना ले। क्लियर कर दीजिए कि आखिर शिवपाल यादव है किधर और आजम खां के साथ आखिर ये हमदर्दी क्यों नहीं जो दिखनी चाहिए। हो सकता था कि मुलायम सिंह यादव होते तो वह हमदर्दी आजम खां के साथ दिखती। देखिए, माननीय शिवपाल जी के लिए तो अभिलेख केवल शिवपाल जी है और उनके प्रवक्ता है। मैं अपनी पार्टी के नेता के बयान पर, ठीक है जोशी जी, एक एक चीज क्लियर कर दीजिए। एक चीज का, अगर कल को उन्हें हटाना होगा तो आखिर चिट्ठी कौन विधानसभा स्पीकर को लिखेगा, अध्यक्ष को लिखेगा? क्योंकि वो सिंबल उनका साइकिल, यानी कि समाजवादी पार्टी से वो विधायक है, किसके खाते में गिने हम? 111 में वो भी है कि केवल 110 है आप लोग? देखिए, उस पर बहस आपकी हमारे आपके चैनल पे हो चुकी है कि वो टेक्निकल इशू था, लेकिन ये बात करते हैं सर कि आज भी क्लियर कर दीजिए ना, मैं संख्या क्या बताऊं समाजवादी पार्टी विधायकों की, 110 नहीं, मैं इतना कहना, 111 आप भी एक अच्छे एंकर है, मैं आप भी राजनीति को समझते हैं, राजनीति के एंकर करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर इतना कहना चाहता हूँ, हमारे बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, जिनका एक अपने राजनीतिक पार्टी विधायक, अच्छा ठीक है जोशी जी आपकी सारी बातें मान लेते हैं, विधायक मैं किसका मानूं, समाजवादी पार्टी का या नहीं? जसवंत नगर के विधायक है और टेक्निकली हमारी पार्टी सिंबल पे जीते हुए, ये बात मैंने आपको चैनल पे बोली है। तो बताइए ना, विधायक किसके हुए, समाजवादी पार्टी के हुए? अगर हटा रहा है इसीलिए कह रहे हैं, अखिलेश यादव को हटा रहा है तो तय कर ले, हटा दे, निकाल दे। मैं जिसके लिए अधिकृत हूँ वो बोल सकता हूँ आपसे, मैं अधिकृत हूँ समाजवादी पार्टी के लिए बोलने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुशासन का पाठ पढ़ाने को सारे कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है, जिसको हम जैसे साधारण कार्यकर्ता
चिंतन और मनन करते हैं। ये पार्टी के जो हमारे नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, एक गाइडलाइन बनाते हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और मीडिया के साथियों को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने तो 19 तारीख को सिपाही की डेट भी फाइनल कर दी थी, क्योंकि इस प्रदेश को मुक्ति मिल चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से। सर हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप दूसरों मुद्दों पर ले जा रहे हैं, जोशी जी माफी के साथ रोकना चाहते हैं क्योंकि आपकी बातों पर मनीष शुक्ला जी हंस रहे हैं। मनीष शुक्ला जी के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी समझना जरूरी होगा। मनीष जी देखिए, राहुल जी, श्री अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश को बदहाली के राह पर ले गए, और जब से समाजवादी पार्टी उन्होंने संभाली है तब से पार्टी का यही हाल है। 2012 का चुनाव तो श्री मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के नेतृत्व में लड़ा गया, 14, 17, 19, 22 नगर निगम, पंचायत, कॉपरेटिव जितने चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में, उसमें जो हाल समाजवादी पार्टी की हुई है उसके बाद तो यही परिस्थिति है सामने नेताओं के जी, जिसको जिसको राजनीतिक भविष्य समझ में आता है। और ये आप जो पूरे सवाल हैं जो तमाम इनके पार्टी के लोग खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल तो समाजवादी पार्टी के भीतर से अखिलेश यादव की लीडरशिप पे सवाल है जी, और इसका जवाब इनको देना चाहिए। रहा सवाल मेरे मुस्कुराने का, तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि आपने उनसे सवाल पूछा कि तकनीकी रूप से किसके विधायक है। देखिए, जब कोई पार्टी किसी भी व्यक्ति को सिंबल देती है, उसी व्यक्ति को सिंबल देती है जो उस पार्टी का सक्रिय सदस्य बनता है, उसी को देती है। तो इस हिसाब से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हुए बिना सिंबल का उपयोग नहीं कर सकते। और विधानमंडल दल में अगर आज शिवपाल यादव बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर दल बदल का कानून लागू होगा अगर अपने बल से जाएंगे, यानी समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं इस तरह का आरोप लगेगा और उनके ऊपर दल बदल का कानून भी लागू होगा। तो ये क्रिस्टल क्लियर है, इसमें डिबेट की आवश्यकता नहीं है। मनीष जी, मैं सुनना चाहता था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, जो कि वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, हो सकता है कि बहुत मजबूरियां भी होती हैं, जिस तरीके से अखिलेश के सामने मजबूरी है कि वाई की तो बात करते हैं, एम की बात अब करना छोड़ दिए हैं। एनके सिंह सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी बात पूरी कर लीजिए तो बाकी मेहमानों का रुख करते हैं। नहीं, इसमें 91st अमेंडमेंट में जो एंटी डिफेक्शन लॉ रिवाइज होकर फिर से अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत जिस सिंबल से आपने चुनाव लड़ा है आप उसी पार्टी के हैं, लिहाजा अखिलेश जी को ये कहना पड़ेगा कि हाँ ये हमारे पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और लिहाजा हम पार्टी से निकालते हैं। अगर वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, व्हिप का उल्लंघन उन्होंने कभी किया है या पार्टी के बाहर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका संज्ञान स्पीकर ले सकता है, उनको निकाल सकता है। लेकिन अगर स्पीकर ने नहीं निकाला, जिसके ऑब्वियस चांसेस हैं, तो वो अनअटैच्ड मेंबर हो जाएंगे और वो दहाड़ते रहेंगे पूरे 5 साल समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी और बीजेपी के फेवर में भी, और समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ऑफिशियली उनको नहीं निकालेगी, शिवपाल निकलेगे नहीं, यही आज उन्होंने कहा है कि वो चाहे तो निकाल दे। दरअसल अखिलेश यादव कभी भी निकालेंगे नहीं क्योंकि तब वो अनअटैच्ड मेंबर हो जाएंगे, ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है। ठीक है, बीच चर्चा में अनिता मिश्रा जी, नेता पीएसपीएल हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनिता मिश्रा जी, शिवपाल यादव ने क्लियर कर दिया कि अगर निकालना है तो निकाल दे, हमें नहीं लगता कि अखिलेश यादव कोई स्टैंड लेंगे, और शिवपाल यादव ऐसे ही तेज आवाज के साथ अपनी बात कहते रहेंगे। देखिए, अगर आप बात करें कि शिवपाल यादव जी कुछ बात कहते रहेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं कि लगातार चुनाव के बाद से शिवपाल यादव जी चर्चा में बने हुए हैं जी। और लोगों की सहानुभूति, यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी का कोर कैडर है वो सबकी सहानुभूति शिवपाल यादव जी के साथ है और होनी भी चाहिए जी। क्योंकि आपने जैसा देखा है कि जब चुनाव का समय आया तो अचानक से अखिलेश जी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के घर पहुंचते हैं, उनसे पुरानी बातें गिले शिकवे भुलाने की जो भी क्लियर होता है वो करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमें आपकी जरूरत है और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और
हाँ कह देते हैं और कहते हैं कि ठीक है और हम तो समाजवादी जन्म जन्मांतर से हैं तो हम समाजवाद के लिए ही लड़ते रहे हैं तो समाजवादी पार्टी हमारी प्राथमिकता है, ऐसा वो शुरू से लेकर आखिर तक कहते रहे थे और उन्होंने सब कुछ अपना समर्पित किया, यहाँ तक कि अपना एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए समर्पित किया। यानी कि अखिलेश यादव को वोट लेना था और ये दिखाना था जनता के बीच में कि हम सब एक हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगी कि मानिश अखिलेश यादव जी का ये रहा कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने शिवपाल सिंह यादव जी को ऐसे बुलाया जैसे लगा ही नहीं कि कभी शिवपाल सिंह यादव जी उनके चाचा थे या समाजवादी ठीक है या समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से थे। अतीक साहब एक सवाल आपसे, क्या अखिलेश यादव मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे हैं? जो इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, आजम खां को यूं भूल जाना अखिलेश के लिए जाहिर तौर पर क्या बड़ा विस्फोट हो जाएगा? मुस्लिम नकार रहे अखिलेश यादव को। देखिए राहुल देखिए मुसलमानों ने तो हमेशा समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बन के काम किया है, मुलायम सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया है और ये जो पैराशूट से लाए गए थे अखिलेश यादव उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन आप ये देखिए मुसलमानों से कितना धोखा करा, 18% रिजर्वेशन का हमसे वादा किया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया गया मैनिफेस्टो में, फिर भी जो है वो वादे 5 साल तक पूरे नहीं किए गए और 5 साल हुकूमत में उस पर बात भी नहीं करी गई। उसके बाद विपक्ष में रहने के बाद उसको रिग्रेट भी नहीं करा कि हमने वादा नहीं पूरा किया था जिसकी वजह से हमारी सरकार चली गई। इस बार इलेक्शन में क्या हुआ कि मुसलमानों ने बेदरेग उनको सपोर्ट करा लेकिन फिर भी 18% रिजर्वेशन की पर कोई बात नहीं करी और ये नहीं कहा कि और क्या उस पर हट धर्मी। देखिए अखिलेश यादव का बयान ये आया था कि समाजवादी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है, उसमें मैंने सवाल किया था कि भैया 18% रिजर्वेशन का जो वादा किया गया था आपके मैनिफेस्टो में आपने वो तो पूरा नहीं करा, आप कैसे ये बात कर सकते हैं? खैर उधर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आप ये देख लीजिए शिवपाल यादव, अब मैं टेक्निकल पार्ट में नहीं जाना चाहता क्योंकि राजनीति टेक्निकल पार्ट का नाम नहीं है। अगर शिवपाल यादव इस बार अधम साहस के साथ कह रहे हैं कि निकालना है तो निकाल दे, क्योंकि शिवपाल यादव ने बहुत मुरव्वत करी अपने बड़े भाई की और अपने भतीजे की, लेकिन भाई और भतीजे ने मिलकर क्या उनका हशर बनाया। लेकिन अब शिवपाल यादव आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मुस्लिम वोटर्स क्या सोच रहे हैं? एक और बात बता दूं, मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है? इतना निगलेक्ट कर, सॉरी, मुसलमान समाज क्या सोच रहा है? वही मैं बता रहा हूं, मुस्लिम समाज ये सोच रहा है कि हमको ठगा गया है, अब हमने किसी की नौकरी और चाकरी और किसी के जो है जूतियां उलटने पलटने का जिम्मा नहीं ले रखा है। आपको मैं बता दूं कि 18 मई 1920 को मेरी पार्टी मुस्लिम लीग ने जब देखा कि आजम खां के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है तो हमने उनकी आजादी के लिए कैंपेन चलाना शुरू करा। तो डर के मारे 21 मई 2020 को समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखा गया कि भाई उनको आजाद कराया जाए फलां, वरना इससे पहले डकार भी नहीं ले रही थी समाजवादी, सांस भी नहीं ले रही थी। जोशी साहब, हुआ ये कि आज तक जोशी साहब आजम खान रिहा नहीं हो पाए, बस अपना काम बना लिया, ना चाचा को पूछा ना मुसलमानों को पूछा जा रहा है, सॉफ्ट हिंदुत्व वाले चक्कर में अखिलेश यादव फंस गए हैं क्या कि अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो हिंदुओं को बुरा लग जाएगा? 2024 उन्हें दिखाई दे रहा है, इसी वजह से मुसलमानों को भूल गए। देखिए हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, अगर उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया तो वो इसलिए बनाया कि हिंदू भी चल सके, मुसलमान भी चल सके, सिख भी चल सके और ईसाई भी चल सके। पर हमारे नेता ने जब इकाना स्टेडियम बनाया जो उधार की जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं, तो इकाना स्टेडियम में तो ये मुस्लिमों की शिकायत क्यों है? जोशी साहब मुस्लिमों की शिकायत क्यों है कि मुद्दे नहीं उठा रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए मेरी बात सुनिए ना, उनके पूरा परिवार ने बयान दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी हमारे साथ है और हमारी लड़ाई को कानूनी रूप से मदद करने का काम कर रहे हैं, बनना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहते हैं, सारी चीजें वो खुद करना चाहते हैं। और मैं ऐसी मूर्खता का काम करता नहीं हूँ, पूरा परिवार साथ है, ठीक है। और एक बात और है, समाजवादी पार्टी पूरा परिवार साथ है, तभी तो शिवपाल यादव कह रहे हैं निकालना है तो निकाल दीजिए। देखिए उन्होंने माननीय शिवपाल जी का भी बयान पढ़ा है, आप बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, आपसे चर्चा करना अच्छा लगता है। और भी प्रवक्ता आते हैं समाजवादी पार्टी के, वो तो इतना भी नहीं बोलते।
अलग अलग बातें करने लगते हैं, अच्छा लगता है आपसे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता दे कि 18% रिजर्वेशन का क्या हुआ? नहीं, वो अखिलेश यादव से पूछिए, जो वादा किया था 18%। वो तो मेरे सवालों का भी जवाब जोशी साहब नहीं दे रहे हैं, आपके सवालों का क्या जवाब देंगे? एनके सिंह सर, मनीष जी आपके पास है, लेकिन उससे पहले एनके सिंह सर, चौतरफा गिर गया अखिलेश यादव। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अखिलेश यादव के लिए आप कुआं और खाई, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। अगर वो मुसलमान वोट छोड़ते हैं तो अच्छा खासा 18% का चंद छूटता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बल्कि 19% अब तो हो गया है, 19% का चंद छूटता है। लेकिन अगर इसको मुलायम सिंह वाले फॉर्मेट पे पकड़ना चाहते हैं, एक्सेसिव मुस्लिम वोइंग करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा चंक जो है उनका, और बल्कि हो सकता है यादव का भी चंक उनके हाथ से निकल जाए। मुसलमानों को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि वो बार्गेनिंग पोजीशन जो मुलायम सिंह के जमाने में होती थी, कांग्रेस के जमाने में होती थी, अब मुसलमानों की वो बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है, क्योंकि 18-19% पे वो बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, जो कि क्योंकि डर ये है कि तो बाकी मुस्लिम हिंदू कंसोलिडेशन जो है वो एक बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं कि 42% वोट मिलते हैं बीजेपी को, लिहाजा अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आजम खान चाहे बार्गेन करना, तो थोड़ा झुक के करना पड़ेगा। मुसलमानों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उनका जो शेयर है वो नहीं रहेगा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग हिंदू कंसोलिडेशन जो है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। इसको कैसे काउंटर किया जाए ये एक अलग पक्ष है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये कुआं खाई की स्थिति है कि अगर ये जाते हैं मुलायम सिंह के फॉर्मेट में, अपने पिताजी के फॉर्मेट में, तो बाकी वोट ये लूज कर जाएंगे, और अगर नहीं जाते हैं तो मुसलमान इनका साथ छोड़ देगा। मुश्किल ये है कि वो जाएगा कहां। दूसरा जो सवाल अखिलेश, मुझे लगता है कि राहुल आपको पूछना चाहिए कि मुसलमान अगर अखिलेश को छोड़ेगा तो वो जाएगा किधर। हालांकि ऐसे बयान आ चुके हैं, ऑप्शन ढूंढने की बात मुसलमानों के बीच हो रही है। मनीष जी, अच्छा हुआ इस चर्चा में ये नहीं कहा गया, तो ये तो किया धरा बीजेपी का है। हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई प्रवक्ता जरूर बोल देगा कि ये तो किया धरा बीजेपी का है, चाचा को ले जा रहे हैं, पता नहीं किसको ले जाएंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि थोड़ा विपक्ष तो होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। आप लोग कहाँ लाकर अखिलेश यादव को छोड़ दिए हैं? वो अपनी मुसीबत से निपटे या आप लोगों से निपटे? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का काम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, हमारा काम नहीं एक समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हीं को अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने अहंकार से वापस आना पड़ेगा। और ये देखिए, जाति और धर्म की पॉलिटिक्स अब उत्तर प्रदेश और देश से विदा हो चुकी, उत्तर प्रदेश और देश में विकास की राजनीति चल रही है और उस पर ही डिबेट करनी पड़ेगी, उस पर ही चलना पड़ेगा। 2014 के बाद से आप देख लीजिए, चाहे जितना गौर जातिवादी गठबंधन किया अखिलेश यादव या किसी भी दल ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको ठुकराया है। अब आपको स्वास्थ्य शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, किसानों की बात करनी पड़ेगी, युवा के रोजगार की बात करनी पड़ेगी, और वो करते हुए ईमानदारी से दिखना भी पड़ेगा। धर्म और जाति से न धर्म और जाति के लोगों का फायदा हुआ, न देश का फायदा हुआ। मुसलमान ही 1947 के पहले उसकी जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति थी, अगर आज वो तुलना करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, या तमाम राजनीतिक दल विभिन्न राज्यों के जो है जी, उन्होंने जिन्होंने धर्म के नाम पर उनसे वोट लिया, उनको दिया क्या है? तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से बीजेपी आगे बढ़ रही है, सबको उसी के साथ आगे बढ़ना। चलिए, आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से कह दिया है कि पार्टी से निकालना है तो निकाल दे, यानी कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आते हैं। अखिलेश यादव उन्हें सपाई नहीं मान रहे, जबकि अपने आप को शिवपाल यादव सपाई मान रहे हैं, क्योंकि सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा। ये तकनीकी चीज़ें हैं, इसे समझा भी जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ आजम को लेकर भी सुर बुलंद है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है, और दूसरी ओर मुसलमानों की आवाज नहीं उठाने का आरोप अखिलेश यादव पर लग रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चौतरफा गिर गए हैं अखिलेश यादव, और इससे बचने के लिए उन्हें कोई ना कोई उपाय सोचना होगा, क्योंकि अब लड़ाई 2024 की है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।